हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के बारे में समझेंगे। हाइड्रोलिक्स क्या है और हाइड्रोलिक्स में मैं एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ, उस पर मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या कंपोनेंट उसमें फिट होते हैं, तो ये सारे का सारा टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ मैं। सो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है। सो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है और बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम एक फ्लूड मैकेनिज्म का सिस्टम है जिसमें हम फ्लूड के थ्रू पावर जनरेट करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं मशीन के जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं उनको हम मूविंग कराने के लिए हाइड्रोलिक से प्रेशर, ऑयल के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होता है पावर जनरेट करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स बाय यूजिंग प्रेशराइज फ्लूड टू पावर एन इंजन। यानी जैसे मैंने बताया आपको, प्रेशराइज फ्लूड के थ्रू हम पावर जनरेट की जाती है और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। दीज हाइड्रोलिक प्रेसेस पुट प्रेशर ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड इन ऑर्डर टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। इट मीन्स हम ऑयल के कुछ छोटे कम बहुत ही कम मात्रा में हम ऑयल का यूज करके और प्रेशर, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी जो प्रेशर जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं ऑयल के थ्रू, वो कम ऑयल से हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं, जैसा कि प्रेस मशीन है, जेसीबी मशीन्स होती हैं, हाइड्रा है, इंडस्ट्री में काफ़ी जगह, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जगह हम हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। काफ़ी ये सिमिलर, सिंपल है, ईजी यूज करते हैं और पावर हमें जो टॉर्क चाहिए वो काफ़ी अच्छा खासा टॉर्क हमें फ्लूड मैकेनिज्म के थ्रू मिल जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। आगे समझते हैं ये क्या है। टाइप्स ऑफ प्रेशर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रेशर जनरेट करते हैं तो प्रेशर के लिए हम दो सिस्टम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम प्रेशराइज ऑयल का यूज़ करते हैं, प्रेशराइज ऑयल के थ्रू हम पावर जनरेट करते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम्स में हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके पावर को जनरेट करते हैं। तो ये प्रेशर के सिस्टम है, प्रेशर किसके दो सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। हिस्ट्री ऑफ, अगर हम हाइड्रोलिक्स की बात करें तो ये जो एक ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है हाइड्रायूलिकोस, मतलब वाटर पाइपलाइनिंग। एंड न्यूमेटिक्स जो है, न्यूमेटिक्स जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही लिया है, जिसको हम न्यूमेटिक, जो कि एयर प्रेशर, जिसका मतलब है एयर प्रेशर। नेक्स्ट इज इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोलिक। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक के जो इन्वेंटर है, फादर ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, जोसेफ ब्रह्मा को माना जाता है। उनका जन्म 13 अप्रैल 1748 में जन्म हुआ था और डेथ 9 दिसंबर 1814 में इनका डेथ हुई थी। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसको इन्वेंट किया था और अपने नाम से इन्होंने पेटेंट कराया था। 1795 में इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेस को अपने नाम से पेटेंट कराया था। और साथ ही साथ इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेस के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका भी इस हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम को बनाने में। इनका नाम है विलियम गोर्के आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया इस सिस्टम को जनरेट करने, इसलिए हम कह सकते हैं कंसिडर वन ऑफ द टू फादर ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियर। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम सबसे पहला हमारा इनपुट, जो हम जहाँ से प्रेशर है, प्रेशर जनरेट किया जाता है, उसके लिए इनपुट मोटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें, पंप वगैरह हम यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल, जो हम प्रेशर जनरेट किया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाल्व यूज करते हैं। और लास्ट में फिर आउटपुट, जो भी प्रेशर है आउटपुट के लिए हम सिलेंडर्स का, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं।
सो नेक्स्ट चीज समझते हैं हाइड्रोलिक वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हमने यहाँ पर एक ग्राफ एक इमेज के थ्रू पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन चार्ट है डायग्राम, उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पैनल है जिसके थ्रू यहाँ मोटर कनेक्ट है, और यहाँ पे रिजर्वायर है जो ऑयल टैंक है। यहाँ से ये इसकी पाइपलाइन जो हॉज पाइप के थ्रू हम जो फिटिंग होती है इसमें, और यहाँ पर हम मोटर के साथ एक पंप कनेक्ट होती है जो कि प्रेशर को इस ऑयल टैंक जो हमारा यहाँ से प्रेशर जनरेट करते हैं, और यहाँ से फिर ये चेक वाल्व के होते हुए यहाँ से डायरेक्शनल वाल्व, इस तरह से पूरा जो सप्लाई है वो आगे हमारे सिलेंडर तक पहुँचती है, और सिलेंडर से फिर जो भी हमें पार्ट्स है उसको लिफ्ट करना है, जो भी वर्किंग कंडीशन है जो भी, उसको हम यहाँ से इस तरह से सिलेंडर इसका जो मूव करेगा, और उसके बाद फिर वापस ये ऑयल यहाँ से देखिए यहाँ से होके वापस फिर दोबारा वापस टैंक में वापस आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सिस्टम होता है, इसमें ये सारे सिस्टम्स होते हैं, इसमें फिटेड होते हैं, और इसी तरह से ये आगे मैं इसको एक्सप्लेन वन बाय वन इसके पार्ट्स को सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये कंप्लीट डायग्राम है हाइड्रोलिक सिस्टम का। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो मेन कंपोनेंट है मैं आपको आज बताऊंगा वो, जैसे सबसे पहले रिजर्वायर जो ऑयल टैंक, यहाँ पर हम इसमें ऑयल को स्टोर किया जाता है, ऑयल टैंक। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप जहाँ से हम प्रेशर जो ऑयल है ऑयल के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होता है वो हाइड्रोलिक पंप के थ्रू यूज होता है, और ये डिफरेंट अलग अलग तरह काफ़ी अलग अलग टाइप्स की पंप्स होती हैं वो जो कि हम अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर भी हम हाइड्रोलिक मोटर का यूज़ हम जहाँ भी हमें कभी और मशीन के पार्ट्स को रोटरी मोशंस में ले कन्वर्ट करना है, जो पावर है वो जनरेट और उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है जैसे रोलिंग मिल्स वगैरह में, तो वहाँ पर हम कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक मोटर्स का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वाल्व का यूज़ करना पड़ता है। हम वाल्व के थ्रू उस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कितना प्रेशर रिलीज करना है, किधर से आउटपुट इनपुट सारा मतलब कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम करते हैं। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाल्व्स हम यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप सभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक सिलेंडर। सिलेंडर जहाँ से आउटपुट आएगा, जो भी प्रेशर जनरेट हुआ उसके बाद जो आउटपुट है वो हमें हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू ही मिलता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक हॉज पाइप। हाइड्रोलिक हॉज पाइप का जो है वो जो भी फ्लूड को फ्लो कराने के लिए हम जो पाइप्स यूज़ करते हैं वो हॉज पाइप का यूज़ करते हैं, हम सिंपल पाइप यूज़ नहीं करते, और ये स्पेशल मैन्युफैक्चरर किए जाते हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग, जितना प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको इनको मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो हमें प्रेशर को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम सिलेक्शन के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितना प्रेशर है उसी के अकॉर्डिंग हम हॉज पाइप का सिलेक्ट करें। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक। काफ़ी अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस में हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जैसे डंप ट्रक्स वगैरह हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, फिक्स फिक्स ब्रांडिंग ब्रिज वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक फॉग लिफ्ट्स वगैरह हैं, तो काफ़ी काफ़ी लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है, वेट को कैरी करना है, तो काफ़ी जगह काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अलग तरह की हम लिफ्टिंग वगैरह में भी हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज की बात करें, हाइड्रोलिक सिस्टम आर इजी टू कंट्रोल एंड एक्यूरेट। हाइड्रोलिक सिस्टम है वो हम आसानी से उसको कंट्रोल करते हैं, और इसका जो प्रेशर साइज सिस्टम है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम आर सिमिलर एंड इजी टू मेंटेन बिकॉज दीज सिस्टम आर यूज लेस मूविंग पार्ट। ये जो सिस्टम है काफ़ी सिंपल है, इजी है, क्योंकि इसके लेस मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसके कारण हम इसको आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। इजी टू स्पॉट लीकेज ऑफ आ हाइड्रोलिक सिस्टम। हम जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम लीकेज वगैरह कोई कोई एरर वगैरह है तो उसको आसानी से हम फाइंड आउट करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक। जैसे कि एडवांटेज तो कुछ डिसवांटेज भी हैं, तो क्या डिसवांटेज है? डिसवांटेज की हम बात करें तो हीट एंड एयर कंटामिनेशन एंड वाटर कंटामिनेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पुअर हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस। जैसे कि हीट गर्मी जनरेट करना एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एक जनरल सी प्रॉब्लम
जो हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करने के लिए ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स हो सामने हमें देखने को मिलती है। एंड द हाइड्रोलिक पंप इज़ द हार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पंप होती है वो उसको हम कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द सिस्टम हाइड्रोलिक में। सो अगर वो उसमें कोई फेलियर के चांस आते हैं तो उसको रिप्लेस करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, हाइड्रोलिक सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आपने चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।